Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. उम्मीद करता हूँ बादशाह आप लोग ठीक होंगे. तो बादशाह दिस कंटेंट इज बाय, ये बनाना है हमने वुडन प्लान, ठीक है ना. और ये हैंड वुडन प्लान है, ठीक है ना. और ये टिड्डा सा बनाना है इतना सा, ठीक है ना. तो आप ये देख सकते हो ये हमने बना लिया, ठीक है ना. तो बिना टाइम जाया कि अब हम ये आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है और इसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, मतलब कितनी बारीक बारीक चीज़ों से, टूल से हम इसको बनाते हैं. तो बिना टाइम जाया कि हम आपको लेके चलते हैं. ये यूज में भी आता है, ये काम भी कर सकते हैं हम इससे. सबसे पहले हम बांधेंगे बांग. मेरे पास मिनी साइज वाली बांग पड़ी हुई है, ये भी है बांग, इसको बांग बोलते हैं, ठीक है ना. और इसके ऊपर हम पीस लगाते हैं, टाइट करके बांध देना ताकि ये गांव पहचान ना हो, ठीक है ना. और फिर निशान लगाएंगे. निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे. और जो सा पीस हम कटिंग कर लेंगे उसी पीस में से हमने एक और पीस निकालना जितना हमें वुडन प्लान रंधा चाहिए होगा, ठीक है ना. तो बच्चों ये हमारे पास वो पीस निकला है और बाकी जो से पीस होंगे इनको उड़ा पुड़ा कर दोगे, साइड पे कर दोगे, ठीक है ना. और अपने काम वाला पीस जो सा है वो हम निकाल लेंगे ना. जो सा पीस हमारे काम में आएगा उस पीस को हमने इतनी सैंडिंग लगानी है कि वो शीशा नजर आए, पोवर नजर आए. तो उन्हें डन जाए कि ये हम सैंडिंग लगाते हैं. आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हो उसकी पैमाइश, आपने कितना वुडन प्लान रखना है. और मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ था. पहले मैंने एक सूत्र रखा, फिर पौने सूत्र, और फिर एक सूत्र. एक सूत्र को बोलते हैं वो टिड्डा सा, इतना सा होता है एक सूत्र, ठीक है ना. आप एंची टेप अगर जानते हो आपको अंदाजा होगा, जो उससे निशान लगाए होंगे उनको खींच लेना, ठीक है ना. मतलब लाइन लगा लेनी है, ठीक है ना, सारे फोर साइड्स पे, ठीक है ना. जो ऊपर वाली साइड होगी जिसको हम, जैसे कि हम ये चीज है ऊपर वाली साइड, ठीक है ना, हमने यहाँ से भी छोड़ना है और यहाँ से भी छोड़ना है. तो वहां पे भी हम निशान लगाएंगे. और जो से हम निशान लगाएंगे उसके बाद हमारी हमें शेप नजर आ जाएगी पीस की, के जो से हमने छेक करना या पुदान डालना है, ठीक है ना. पुदान हम मशीन से डालते हैं और ये हम हाथ से काम करेंगे, तो ब्रिक से टूल के साथ. तो इसमें ये था कि मेरे नाखून थे बड़े और मैंने अपने नाखून कटिंग करके आने थे पहले, क्योंकि मुझे नहीं था अच्छा लग रहा कि यार मेरी वीडियो में मेरे नेल्स बड़े बड़े जाएं. इससे ये फायदा होता है कि मैं अपने नाखून साफ करके रखता हूँ. और आप ये देख सकते हो ये चीज़ मुझे लगी है इसकी, ये नोक, ठीक है ना. और ये यहाँ पे लगी है काम करते हुए, ये बना रहा था, इसके अंदर कटिंग कर रहा था, इसके अंदर वाली साइड पे कटिंग कर रहा था. और ये मुझे लग गई है यहाँ पे, ये देख सकते हो दो टक लगे हैं, एक ये लगा और एक ये लगा है, ठीक है. ये इसका ब्लड है. और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये देखो, ये जो सा ब्लेड था ना वो मुझे यहाँ पे लगा था टक, ठीक है ना. ये देख सकते हो आपको अगर नज़र आए, ठीक है, मतलब इतना लंबा लगा था. और ये रात के 2:45 हुए थे, ठीक है ना. और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इसको दुबा के रख लिया और ब्लड वहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है ना. अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से बेहतर है, ठीक है ना, कोई दर्द नहीं हो रही है. और ये देख सकते हो कि इसका पुदान हमने हैंड से डाल लिया है, ठीक है ना. और भांग के अंदर बांध देंगे और रेगमल लगाना शुरू करेंगे कि इतना रेगमल लगाना है कि इसका अंदर वाले जो पार्ट्स हैं ना वो साफ नज़र आने शुरू हो जाए. और ताकि जो हमने ब्लेड इसके अंदर डालना है और उसके अंदर रिकावट ना पेश आए, इसको रेगमल लगाते रहेंगे हम.
और फिर हमने इसके अंदर डालना है ब्लेड, ठीक है ना। ये ब्लेड मैं दो तीन जगह से फिर के आया हूँ, फिर मुझे जाके ये ब्लेड मिला, फिर मेरे जहन में आया यार हम दूसरा पेपर वाला ब्लेड ले लेते हैं, वो बेस्ट था, बाकी जो हो गया सो हो गया हूँ, ठीक है ना। हमने ये ब्लेड लिया, उसको काट के, ये चीज़ ठीक है ना, इसको बोलते हैं तेक, ठीक है ना। और ये है पच्चर, ये भी हम बनाएंगे लकड़ी की, और ये हमारे पास ब्लेड है, हम इसका बनाएंगे शेप देंगे ब्लेड वाली, ठीक है ना, इसकी बनाएंगे तेक। फिर हम इस ब्लेड को करेंगे पतरी के ऊपर तेज, ताकि ये इसकी धार कौन सी होती है वो तेज और तिखी हो, ठीक है ना। और मेरे ये ग्राइंडर है, जिसको मैं सैंडिंग बोलता हूँ, ये सैंडिंग वाला ही काम करती है, ठीक है ना। इसका नाम ही सैंडिंग है, ठीक है ना, ये पेपर का नाम। तो हम इसके साथ उस पच्चर को शेप देंगे, तो बिना टाइम जाएगी उसकी शेप। उसके बाद हमने एक लकड़ी का पीस लेना है, टिड्डा सा पीस, ठीक है ना। ये जो उनसे पीस देख रहे हो, ये हमने पीस काट लिया, ठीक है ना। इस पीस को हम पच्चर की शेप देंगे, ठीक है ना, और वो हम सैंडिंग पेपर के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। ये ग्राइंडर है मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ब्लेड और हमारे पच्चर रेडी हो गए हैं, ठीक है ना। और अब हम इनको इसके अंदर फिट करते हैं, डालेंगे ब्लेड, ठीक है ना, तेक जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद ये पच्चर डालेंगे, ठीक है ना, और इसको सेट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको क्लास के साथ टाइट कर देंगे। और अब बारी है कि इसका ये चीज़ें निकाल के दोबारा, ठीक है ना। और हमने यहाँ से ये चीज़ें, आप ये देख सी है ना, इनको गुलाई करनी है हल्की हल्की, यहाँ से भी और यहाँ से भी हल्की सी उसकी गुलाई करनी है, ठीक है ना। अब मिलान जाएगी, ये करते हैं। और उसके लिए हमारे पास है ये सैंडिंग पेपर, ठीक है ना, और इसके ऊपर हम रख के यहाँ से ऐसे, तो पहले हम ये ब्लेड निकाल लेते हैं। ये रेडी हो गया टिड्डा सा, ठीक है ना। और अब हम इसको ब्लेड लगा के माचिस की डब्बी के अंदर रखते हैं। और आप लोग ये देख सकते हो कि यार ये इजीली आ जाता है, इस तरह के मैं समझ लो कि 5-6 बना कर रख सकता हूँ। पहले क्या बात हुई थी, मुझे किसी ने बताया था कि ये माचिस की डब्बी के इतना रंदा बनाना है कि जो माचिस की डब्बी के अंदर आ जाए, वुडन प्लान, ठीक है ना। तो ये इजिली आ रहा है, घूम फिर रहा है उसके अंदर। बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज बनाई और कंप्लीट की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चीज़ बनाई जाए। और इंशाल्लाह मैं इसके बाद उम्मीद है कि अपना नेम वाली वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे टाइम तक ये हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।